आलस के कारण हम अपने घर की साफ सफाई में बहुत ज्यादा जो है ढील दे देते हैं, जिससे कि हमारा घर गंदा और अव्यवस्थित दिखाई देने लगा है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम जो है अपने घर को कम टाइम में और कुछ आसान से टिप्स अपना के अपने घर को साफ रखें और व्यवस्थित रखें। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ लोग तो देखिए हाउस हेल्प की मदद ले लेते हैं, जिससे कि उनका काम आसान हो जाता है और उनके घर की सफाई रेगुलर हो जाती है। लेकिन अगर आप अकेले हैं और आपको अकेले ही सारे काम करने हैं, तो थोड़ी सी आपको मुश्किल आ सकती है। इसलिए कुछ ऐसे टिप्स अपनाएं जिससे कि घर भी आपका चमकता रहे और आपका ज्यादा वक्त भी न जाया हो। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको आप अपना के अपने घर को व्यवस्थित और सुंदर भी रख सकते हैं और साफ भी रख सकते हैं, और कम समय में ये काम आप सारे अपने निपटा सकते हैं। तो हे हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज का टॉपिक है हमारा, अगर आपको घर के काम करने में आता है बहुत सारा आलस और आप अपने घर को साफ सुथरा नहीं रख पा रहे हो, तो कुछ ऐसे आज मैं टिप्स और कुछ ऐसे मैं चीजें फॉलो करती हूँ, टिप्स फॉलो करती हूँ, जिससे कि मेरा घर साफ सुथरा रहता है। अगर मैं एक दिन ना भी सफाई करूँ बहुत ज्यादा, तब भी वो साफ रहता है। तो चलिए यही सारी बातें आज हम वीडियो में करेंगे और मैं शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस कि मैं किस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ अपने डेली क्लीनिंग, और जो डेली के काम होते हैं उनको मैं कैसे करती हूँ घर और किचन को मैनेज करके, और सारे काम जो है मेरे फटाफट से भी हो जाते हैं और मेरा घर साफ सुथरा और व्यवस्थित भी दिखाई देता है। तो चलिए आइए वीडियो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है कि आपको सोकर उठने के बाद ही अपने बेड को बना लेना है। आप ये ना सोचें कि मैं बाद में बना लूंगी, पहले सारे काम कर लूंगी उसके बाद बेड को सही कर लूंगी, तो ये ना सोचें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये गलत होगा। और अभी आप अगर बना देते हैं अपने बेड को तो आपका बेडरूम जो है ना नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखाई देगा, क्योंकि रात भर में सिर्फ बेड ही खराब होता है, बेड की बेडशीट खराब हो जाती है, उसी को हमें सही करना होता है। बहुत ज़्यादा हमें जो है एफर्ट भी नहीं लगाने होते हैं और हमारा बेड मिनटों में सही हो जाता है। उसके बाद कोई भी उस पर बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और साफ सुथरा सुबह सुबह के टाइम भी आपका रूम दिखाई देगा। तो पिलो कवर्स मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने रात में नहीं चेंज किए थे और बेडशीट जावयान ने गिरा दी थी पानी, तो वो मैंने चेंज कर दी थी, बट पिलो कवर मैंने सुबह चेंज किए हैं। अब मैं आ गई किचन में, और देखिए किचन में काम करते टाइम कितना ज़्यादा चीज़ें फैल जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता है। जब समेटने की बारी आती है तब हमें पता चलता है। तो जैसे मैंने हरी मिर्च डाली, करी पत्ता का यूज़ किया, वो सारे डब्बे मैंने निकाले तो फ्रिज से, अगर अगर हम उसे रखना भूल जाते हैं तो वो फैले रहते हैं। और ये ना सोचे कि हम बाद में कुकिंग के रख देंगे, आप उसी टाइम पर उठाकर उसको फ्रिज में रख दें, जिसकी जो चीज़ की जहाँ जो जगह हो वो वहाँ पर रख दें। अब देखिए ये बर्तन भी मैं यहाँ पर रख दूंगी, क्योंकि कुकिंग टाइम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है, तो बीच बीच में जो टाइम मिलता है उसमें हमें और सारे किचन के काम भी कर लेने हैं। अब मैंने यहाँ पर प्याज छीली थी तो उसके छिलके को मैं डस्टबिन में डाल दूंगी। वैसे मैं सारे छिलके वगैरह एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद डस्टबिन में डाल देती हूँ। और गैस स्टोव को ना टाइम टाइम पर ना क्लीन करते रहें, जैसे छींटे वगैरह तेल की आ जाती हैं कुकिंग के टाइम, तो उसी टाइम आप क्लीन कर दोगे तो आपको बाद में काम नहीं बढ़ेगा। और जब सूख जाता है कुछ गिरा हुआ तो वो बहुत छुटाने में टाइम लगता है। तो जो भी चीज़ें फ्रिज वगैरह में रखनी है वो सारी मैं रखती जा रही हूँ, और जो यूज़ कर रही हूँ उनका काम खत्म हो जा रहा है तो उन्हें भी उस जगह पर लगा दे रही हूँ। जैसे अब मेरे चॉपिंग बोर्ड का काम खत्म हो गया है तो मैं उसको जो है पोंछ कर रख दिया मैंने,
और मेरे बेलन चौके का भी काम खत्म हो गया है, वो भी मैं रख दूंगी। तो सारी चीजें जो है ना, देखिए मेरा जो है किचन साफ सुथरा दिख रहा है और कुकिंग भी हमारी चल रही है। तो ये टिप अपनाएंगे तो आपके काम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे और टाइम की भी बचत होगी। और जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मैं दूध से पनीर घर पर कैसे बनाती हूँ, तो वो आज मैं शेयर कर रही हूँ। दूध को पहले उबलने रख दें। जब उबाल आने से पहले जब दूध पे मलाई आ जाए तो आपको थोड़ा सा सिरका लेना है और थोड़ा पानी, और दोनों को मिक्स करके दूध में थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है और फ्लेम को ना हाई कर देना है। और देखिए देखते ही देखते ना ये आपका दूध छेना बन जाएगा और ये जो है बहुत अच्छा सा पनीर बनने के लिए रेडी हो जाएगा। आपका छेना और सारा पानी जो है हरा हो जाएगा। तो बस अब हम इसको बंद करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और एक कॉटन का कपड़ा लेंगे मलमल का, उसको मैंने गीला कर लिया है। उसके बाद इसको किसी भी बर्तन पे इस या जाली पर इस तरह से फैलाएंगे और फिर हम इसको छान लेंगे। तो इस तरीके से मैं थोड़ा छान रही हूँ क्योंकि मेरी प्लास्टिक की मैंने बास्केट का इस्तेमाल किया है और एकदम से बास्केट गर्म पानी से पिघले ना, इसलिए मैंने इस तरीके से किया है। और अब देखिए इसको मैं अच्छे से निचोड़ दूंगी और ये जो है ना अब इसको हम रख देंगे एक प्लेट में। और उसके बाद जो है इसको हम भारी सी किसी चीज से प्रेस करके रख देंगे दबाकर। करीब 2 घंटे तक आपको इसको रखना है और आपका बहुत अच्छा सा पनीर घर पर बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 घंटे हो गए हैं और अब देखिए हमारा पनीर जो है ना कितना अच्छा सा बनकर रेडी हो गया है। ये विदाउट बिल्कुल इसमें कोई मलाई चिकनाई नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये ड्राई आपको दिख रहा होगा। अगर आप जो है इसको बिल्कुल मलाई वाला बनाना चाहते हैं तो दूध में से मलाई ना निकालें तो आपका पनीर भी बहुत अच्छा सा बन जाएगा। तो बस इसको टिश्यू पेपर लगा के एक बॉक्स में, किसी भी आपके पास कांच का हो कांच में रखें, स्टील का हो स्टील में रखें, या मेरी तरह प्लास्टिक के बॉक्स में भी रख सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक होनी चाहिए और इसको स्टोर कर लें। जब भी कुकिंग में चाहिए हो तो 1 से 2 दिन के अंदर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख कर। तो मैं थोड़ा सा अपने कुकिंग में इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी कुकिंग कर कर, और फिर मुझे ना क्लीनिंग के काम करने में बहुत बोरियत आती है, बहुत आलस आता है। तो मैं म्यूज़िक का इस्तेमाल करती हूँ और मैं लगा लेती हूँ म्यूज़िक, और फिर जो मेरे काम होते हैं ना म्यूज़िक के रिदम पर होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी से होते हैं। तो मेरे चेहरे पर आप स्माइल भी देख पा रहे होंगे क्योंकि मुझे काम की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। और मैं यहाँ पर धो चुकी थी कपड़े, मैंने मशीन में सुबह ही कपड़े लगा दिए थे जब मैं कुकिंग करने गई उससे पहले ही। तो मेरे कपड़े तो बहुत आसानी से सूख गए क्योंकि आजकल अभी धूप काफी तेज है। तो बस इन कपड़ों को भी मैं फोल्ड कर दूंगी और सारी चीजें जो है ना बेड पर जो फैली हुई हैं वो सारी चीजें मैं अरेंज कर दूंगी, जहाँ पे जिसकी जगह है वो वहां पर रख दूंगी, जिससे कि मेरा काम आसान हो जाएगा और बस थोड़ा सा एफर्ट लगेगा और म्यूजिक के रिदम पर काम हो रहा है तो मुझे मेरा काम ज्यादा जो है ना बोरियत भी नहीं महसूस हो रही है और फटाफट से मैं अपने काम को कर रही हूँ। तो बस हमारा जो भी फैलावा फैला था सही हो गया है, बिल्कुल बढ़िया सा रूम सेट हो गया है और ये हुआ है बिल्कुल चुटकियों में। तो चलिए अब चलते हैं कहीं और जहाँ पर काम दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए जो बेटा स्कूल गया तो उसके कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, हस्बैंड के लैपटॉप बैग पड़ा हुआ है और जो है यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं, पैम्पलेट वगैरह जो जो चीज लेता है ना बस मेरे घर पर वो वहीं कहीं ना कहीं रख देता है। कभी भी कोई किसी जगह पर, मतलब जो उसकी जगह है वो वहां पर नहीं रखता है। अगर आपको काम में आलस आते हैं तो आप उन चीजों को वहीं पर रखें क्योंकि आपको ज्यादा एफर्ट नहीं पड़ेंगे और आपका घर व्यवस्थित दिखाई देगा। लेकिन मेरे घर पर ऐसा नहीं है,
चीज़ें ज़्यादातर फैलती रहती हैं और उनको मैं समेटती रहती हूँ। तो मेरा तो दिन भर में मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ मैं उठाती रहती हूँ। अगर बच्चे हैं घर में तो आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा, कितना भी आप अरेंज कर लो घर को, कितना भी व्यवस्थित करके रखो। तो देखिए यहाँ पर की भी मैंने बेडशीट वगैरह बहुत आसानी से सही कर दी है, जो सारी चीज़ें फालतू की इस पे पड़ी थी वो हटा दी हैं और सबको उनकी जगह पर रख दिया है। बच्चे टॉयज वगैरह खेलते हैं तो फैला ही देते हैं। अब मैं आ गई हूँ ये रैक सही करने, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फैलावा फैलता है। हर कोई अपना कुछ भी सामान लाकर यहीं पर रख देता है, जैसे कोरियर के बॉक्सेस हैं या और भी सारी चीज़ें थीं, तो बहुत कुछ थी जो ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, वो भी पड़ी हुई थी। तो उन सबको मुझे हटाना था और सेट करना था। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं रखना चाहती हूँ बस वो चीज़ें रखी हैं, ताकि थोड़ा सा स्पेस भी बना रहे वहाँ पर खाली सा, ताकि जो है यहाँ पर और कुछ भी कभी रखना हो तो वो हम आसानी से रख सकें। भरा भरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी कुछ सामान जो है हमें ऊपर ही रखने पड़ते हैं, उनको बस यहाँ पर रखा हुआ है। तो उसको भी ना एक छोटे से कॉटन के कपड़े से मैंने क्लीन कर दिया है। और आपको ज़्यादा आलस आता है कि अब जब जैसे धूप आने लगेगी तो आप कर्टेन उससे पहले ही लगा लो, अगर आपको बेड पे बैठना है, आपके सारे काम हो गए हैं तो उन कर्टेन को आप लगाए रहोगे तो फिर आपको उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मैं पहले ही सारे कर्टेन लगा लेती हूँ, मुझे पता है कि किस साइड धूप आने वाली है, और अच्छे से ना हमारा घर और कर्टेन से ही हमारे घर की शोभा ज़्यादा बढ़ती है अगर हम उन्हें अच्छे से लगा के रखेंगे। तो बाकी किचन में वापस मैं आ गई थी और मैंने लंच वगैरह भी बना लिया था। बहुत सिंपल लंच मैं बनाती हूँ, दाल चावल यही सब मेरा बनता है। बाकी सैटरडे संडे थोड़ा सा कुछ खास बना लेती हूँ, ज़्यादा मैं डेली डेली कुछ खास नहीं बनाती हूँ। तो जो भी स्पेस लैब पर ना हमारे जो भी काउंटर टॉप पे गंदगी फैल गई थी वो सारी मैंने क्लीन कर ली है और अब हमारा किचन जो है एकदम क्लीन हो गया है। अब मैं आराम से सो भी सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं है और सब कुछ जो है ना साफ सुथरा हो गया है। तो इन तरीकों से आप अपने घर के कामों को एंजॉय भी कर सकते हैं।